आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ़िश करी। फ़िश बहुत ही हेल्दी होती है हमारे लिए, और फ़िश में ओमेगा थ्री और विटामिन ई होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िश बनाना। उसके लिए मैं ले ली, मैंने फ़िश में ये पहले से ही मैंने आधे घंटे पहले नींबू और नमक डाल के रख दिया था अच्छे से, और उसको खूब अच्छे से सॉफ़ करके धो लिया है मैंने। दूसरे साइड ले ली मैंने एक कढ़ाई, उसको गैस पे रख के मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ तेल। तेल को अच्छा गर्म हो जाने देंगे हम, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे हमारे गरम मसाले का और बाकी की चीज़ों का। गरम मसाले में मैंने ये ली है काली मिर्च, शाहजीरा, लौंग और सिनेमम और बड़ी इलायची। तो ये थोड़ी थोड़ी सब ले ली मैंने। अब ले ली थोड़ी सी, मैंने प्याज को पतली स्लाइस में काट लिया था। इसके अलावा लिया मैंने थोड़ा सा जीरा, मेथी दाना और ये ली कलौंजी। मैंने सब थोड़ी थोड़ी सी ली है इसके अंदर तड़का लगाने के लिए। इससे फिश में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इसका तड़का लगा लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन हो जाने देंगे और उसके बाद सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। हम मेरे फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखेंगे। और अब हमारे गोल्डन हो गई प्याज, अब इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ एक प्याला भर के प्याज का पेस्ट। इसको मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया था, तो हम वो डाल देते हैं। आधा प्याला लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं इसके अंदर। चूँकि हम फिश करी बना रहे हैं उसके लिए हमें मसाला चाहिए रहेगा, इसलिए हम ये सब मसाला ऐड कर लेते हैं। अब इसके अलावा हम इसके अंदर सूखे मसाले डाल लेंगे। तो ये मैंने 1/2 चम्मच ले लिया हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ले लिया लाल मिर्च का पाउडर और ये 1 चम्मच भर के ले लिए मैंने धनिया पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसे जितनी तेज़ आप या फीकी मिर्च खाते हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा मिर्च। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए ये 1/2 चम्मच भर के मैंने नमक डाल लिया। नमक हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने फिश में भी नमक लगा के रखा था तो उसमें भी नमक उतर गया था, तो इसलिए आप नमक थोड़ा संभल के ही डालिएगा, थोड़ा सा कम। अब मसाले को अच्छे से भून लेते हैं हम। ये मीडियम या टू स्लो फ्लेम पे ही हम हल्के हल्के हाथों से इसको मसाले को भून लेंगे। और अगर हमारा मसाला थोड़ा चिपकने लग जाए तो हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे और एक अच्छी सी खुशबू आने तक के इसको भून लेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याले भर के दही। दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है करी में, तो आप दही भी इसके अंदर ऐड कर लें और उसको डाल के भी हम भून लेंगे। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ ये नींबू, तो मैंने 1/2 नींबू भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सब चीज़ें डालकर अब हम अच्छे से भून लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि अगर मसाला छोटे तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मसाले को लगातार चलाते हुए इसको भुनेंगे हम ताकि मसाला चिपके नहीं नीचे। ये देखिए मेरा मसाला भुन के एकदम अच्छा बढ़िया से तैयार हो गया। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें डाल लेंगे फिश। फिश को मैंने तली नहीं है, बस कच्ची ऐसे ही धोकर अच्छे से रख ली थी और इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिए। तो इसके अंदर आप बिना तले हुए फिश डालेंगे तो अच्छी रहेगी क्योंकि घुलती नहीं, फिश बहुत नाजुक होती है, ज़रा सी देर में ये गल के तैयार हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसको पहले से अगर नहीं तलेंगे तो अच्छा ज़्यादा अच्छे से फिश करी बन जाएगी, और अगर तल लेंगे तो ये फिश बहुत ज़्यादा टूटेगी। तो आप वैसे ही धोकर साबुत इसको डाल लीजिएगा और बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के से साइड से लगाते हो पूरे में डाल के, और हल्के हाथों से बिल्कुल इसको
आप मिक्स कीजिएगा मसाला इसमें। फिश बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी से गल जाती है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा उलट पलट मत करिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पलट के इसको हम तैयार कर लेंगे। और चूँकि फ़िश बहुत जल्दी गलती है, इसलिए हम इसको ढककर भी नहीं गलाएंगे, फिर वैसे ही खुले में इसको हम लगातार चलाते हुए गलाएंगे। ये इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आप गलाइएगा कि फ़िश टूटे नहीं, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मेरे कुछ मिनटों में ही ये मेरी फ़िश बनकर तैयार हो गई, ये पूरी गल भी गई है, मैंने चेक कर लिया इसको। तो चलिए हमारी फ़िश करी बनकर तैयार हो गई, सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इस तरह से फ़िश करी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, एकदम फ्री है। और हाँ, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए आपकी करी कैसी बनी। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए होती मुलाकात अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स मच। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।